ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर आज वाराणसी के जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई दोपहर 1:30 पर लंच के बाद होगी। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश ने बताया कि आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में केवल केस से संबंधित वकील ही मौजूद रहेंगे। जिला कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। वाराणसी कोर्ट की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर हुई है। बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है। उनका कहना है कि वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता। आगे कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी। अपनी याचिका में अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की उपासना पूजा का मामला सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। उस अभिमुक्त क्षेत्र में अनादिकाल से भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा होती रही है। ये क्षेत्र और यहाँ की समस्त संपत्ति हमेशा से उनकी ही रही है। याचिका के मुताबिक एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मंदिर को ध्वस्त करने और यहाँ तक कि नमाज पढ़ने से भी सुंदर मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देवता का उस प्रतिमा से अलगाव तभी होता है जब विसर्जन की प्रक्रिया के बाद मूर्तियों को वहाँ से शिफ्ट न किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद को अल्लाह का घर नहीं माना जा सकता। वहां अदा की गई नमाज खुदा को कबूल नहीं। उधर उपासना स्थल कानून 1991 भी किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप और प्रकृति को निर्धारित करने से नहीं रोकता। लिहाजा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की याचिका पर आज सुनवाई की जरूरत नहीं है। इस याचिका को खारिज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।